फाउंडेशन एग्ज़ाम ग्रुप लिखना ज़रूरी नहीं है, पूछ लेना वहाँ पे आप एग्जामिनेशन में। पेपर नंबर वन सब्जेक्ट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, नंबर ऑफ सप्लीमेंट एक भी नहीं लिए हैं, फिर भी फ्रेंड बिना सप्लीमेंट लिए भी 96 मार्क स्कोरिंग है। 4 जून 2019 का आंसर है ये। आप क्वेश्चन पेपर 4 जून का उठा के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन में इनको 11.5 मार्क्स मिला है, क्वेश्चन नंबर टू में 10 में से 10 मिला है, टोटल 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर तीन में 7 5 5 टोटल 17 मार्क्स मिला है, क्वेश्चन नंबर फाइव स्किप किया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें से 10 5 5 ये मार्किंग है इनका 20 मार्क्स, टोटल मार्क इनका आया था 95.15 जो ICAI इनको 96 कर देता है। एग्ज़ाम में 95 समथिंग आया है या फिर 5 आए तो आपको तो पता ही होगा कि 96 हो जाता है, 0.5 की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया जाता है, यहाँ पे आपको मस्ट अपना क्या दो चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आपको ब्लैक पेन ले जाना है एग्ज़ाम के लिए, एंड सेकंड ग्रुप नंबर यहाँ पे दिया है, पर्टिकुलर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ग्रुप नंबर, पेपर नंबर एंड सब्जेक्ट। आई होप कि ग्रुप नंबर पेपर नंबर तो हम लिख लेते हैं, बट फाउंडेशन वाले को ग्रुप नंबर का ऑप्शन नहीं होता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 रिमूव बारकोड स्टिकर, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम से पहले अपना रोल नंबर ठीक से लिखना पड़ता है। ये सब इंस्ट्रक्शन है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैं आराम आराम से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से आपको पेपर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इसमें से इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट करने पे 2 मार्क मिला था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे 4 मार्क्स, बैलेंस शीट पे इनको 2 मार्क्स मिला है, और एक वर्किंग नोट जो कोई करता नहीं वर्किंग नोट, बट वर्किंग नोट पे 1.5 मार्क्स मिला है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो पे 0.5 मार्क मिला है, जो टोटल क्वेश्चन नंबर 4 ए में इनको 10 मार्क्स मिला है राइट आंसर। आप देख सकते हैं आप थोड़ा भी कटपुट नहीं है इनके आंसर शीट में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी ट्रेडिंग वन, क्वेश्चन नंबर 4 का बी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ जाएगा। क्वेश्चन सेट निकालिए उस ईयर का, इस ईयर का, और उसके बाद सॉल्व करना चालू कर दीजिए आप भी। देख सकते हैं जिनमें इनको सब राइट है तो 4.5 मार्क मिला इनको, और बैलेंस शीट पे 5 मार्क, वर्किंग नोट पे 0.5 मार्क्स मिला है, जो टोटल 10 मार्क्स हो गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पे भी इनको टोटल 10 मार्क्स मिला है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया है इन्होंने, जिसमें से 2.5 मार्क्स मिला है, और फिर जॉइंट बैंक अकाउंट बनाने पे 1.5 मार्क्स मिला है, और एक 1.5 मार्क्स मिला है इनको एक्स्ट्रा में इनकी अलग से बनाने के बाद। यहाँ पे भी इनको 1.5 मार्क्स मिला है, टोटल 7 मार्क्स मिला है इनको क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे। और क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखिए, जनरल एंट्री है जो कि जहाँ इनको 1 मार्क्स मिला है एक एंट्री पे, 0.5 मार्क्स मिला है, 1 मार्क्स मिला है,
इससे एक ऐसे करके हर एंट्री पे एक मार्क्स, आधा मार्क्स, एक मार्क्स, टोटल हो गया 5 मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सी का सेकंड, इसमें इनको मिला है टोटल 5 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जो कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में इनको टोटल 10 मार्क्स में, पूरे 10 मार्क्स मिले हैं। अब देख सकते हैं आराम से, मैं स्क्रॉल डाउन करो आप आंसर शीट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ से आपको ये वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हम टेलीग्राम में ये PDF शेयर कर देंगे। देख सकते 10 मार्क्स इनको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी, मसेंट्री अकाउंट, जो कि एकदम प्रॉपर तरीके से किए इन्होंने, तो इनको यहाँ पे 7.5 मार्क्स मिला है। वर्किंग नोट फ्रेंड्स करना कंपलसरी है, क्योंकि वर्किंग नोट पे भी मार्क मिलता है। देख सकते हैं आप, जैसे कि लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको मार्किंग का, एक मार्क्स, आधा मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स इनको क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे भी मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जनरल एंट्री, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 कंपनी अकाउंट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए इन्होंने किया प्रॉपर तरीके से, एकदम एक एक मार्क्स हर एंट्री पे मिला है इनको, देख सकते हैं आप, एक एक मार्क, एक एक मार्क, टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे भी मिला है इनको। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, ये भी जनरल एंट्रीज था, कंपनी अकाउंट का ही क्वेश्चन है ये भी। अब क्या कीजिए, अगर आंसर सॉल्व कर रहे हैं आप इस पेपर को, तो इस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और ये वीडियो चालू करके आराम आराम से देखिए और मैथ कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा मार्क और काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे लिखना है पेपर, कैसे मार्किंग स्कोर करना है। देख सकते हैं इनको आधा मार्क्स, एक मार्क्स, आधा मार्क्स, आधा हाफ हाफ मार्क करके मिला है, जो कि इनको टोटल इसमें 5 मार्क मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 के सी में भी इनको 5 मार्क मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं दिए, बट इसमें सब इंक्लूडेड है। इन्होंने क्या किया है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1A से लिखना चालू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, विदाउट स्किप किए उसको लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ट्रू फॉल्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इस ईयर के, तो आप ट्रू फॉल्स के लिए पहले तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, ICA की वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और फिर वहाँ से आप देखिए और सॉल्व कीजिए इसको। देख लीजिए इनका ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, टोटल पूरे 2 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, पूरे 2 मार्क्स। बट फ्रेंड्स आप पेपर पैटर्न देखिए इनको सॉल्व करने का पैटर्न, फॉल्स लिखा, फिर फॉल्स को ब्रैकेट में दिया, फिर रीज़न दिए, रीज़न के बाद क्या यहाँ पे जो हेड पॉइंट है इम्पोर्टेंट उसको डार्क किया है, अंडरलाइन किया है। देख लीजिए फॉल्स, इधर इनको हाफ मार्क मिला है, मतलब 1/2 डेढ़ मार्क। फिर ट्रू फॉल्स, हर जगह इनको 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स ऐसे करके मिला है, जो कि 11.5 मार्क्स होता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का भी, क्वेश्चन नंबर 1 का भी जो कि गोइंग कॉन्सेप्ट है,
तो यहाँ पे भी इनको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर वन का बी जो है यहाँ पे इनको 1.5 मार्क मिला टोटल। फिर क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन का बी फिर 3 मार्क मिला है टोटल। क्वेश्चन नंबर वन का सी यहाँ पे इनको देख लीजिए, जर्नल एंट्री है, हर एक एंट्री के इनको 1-1 मार्क मिला है और टोटल 4 मार्क्स यहाँ पे मिल चुका है उनको। बस वी पूरा एक पेपर दिखा चुका हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको फ्रेंड्स इस कौन सी ईयर का क्वेश्चन पेपर वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जून 2019 का एक क्वेश्चन पेपर आंसर सीट है वैसे ये। अब जून 2019 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अगर इसको सॉल्व करते तो आपको इस जुलाई 2021 के एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा, मतलब आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन आंसर सीट। सो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और इस आंसर सीट को अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।